विद्यार्थियों नमस्कार, मैं पूरन ग्राटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं में अगला जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर, तापमान। तो देखिए, टेम्परेचर तापमान, ताप या टेम्परेचर, ठीक है, टी। तो देखिए विद्यार्थियों, टेम्परेचर क्या होता है विद्यार्थियों, जो तापमान है ना, उसको चार प्रकार की मात्रक पद्धतियों से मापते हैं, ठीक है। कितने प्रकार से? चार प्रकार की मात्रक पद्धतियों से मापा जाता है, जिसमें पहला है अपना क्या, डिग्री सेल्सियस। क्या है? डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट। पहला होता है अपना डिग्री सेल्सियस, को डिग्री ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा है इसी का डिग्री फारेनहाइट। क्या है? डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फारेनहाइट, ठीक है विद्यार्थियों। हाँ, इसका क्या है? डिग्री फारेनहाइट, ठीक है स्टूडेंट। और जो तीसरा है अपना, क्या तीसरा, ये है डिग्री रूमर। डिग्री रूमर, ठीक है, डिग्री रूमर, ठीक है विद्यार्थियों। हाँ, इसको लिखते हैं डिग्री आर से। और एक है केल्विन, एक क्या है? केल्विन। चौथा है अपना केल्विन, ठीक है स्टूडेंट। चौथा है केल्विन, जिसको के से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई अपने क्या, चार मात्रक पद्धतियाँ बोल सकते हैं, या चार प्रकार के तापमापे, जिसमें मतलब अलग अलग प्रकार का से तापमान को मापा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखिए, सुनिए, इनका न्यूनतम पाठ्यांक देखते हैं, उच्चतम पाठ्यांक देखते हैं, और दोनों का न्यूनतम और उच्चतम का अंतर। तो यहाँ पे लिखते थे अपन न्यूनतम पाठ्यांक, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अपन उच्चतम पाठ्यांक, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या, इनका अंतर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया अपना क्या, न्यूनतम पाठ्यांक, और ये क्या हो गया, उच्चतम पाठ्यांक, और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, अंतर। यहाँ पे क्या कर देंगे, इनका अंतर। देखिए तो एक बार ध्यान से देखना, इसमें यही जो न्यूनतम पाठ्यांक उच्चतम पाठ्यांक वाली जो सारणी है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये अपना जो पहला डिग्री सेल्सियस है, इसका न्यूनतम पाठ्यांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और उच्चतम पाठ्यांक, इसका उच्चतम पाठ्यांक हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना हो गया, 100, दोनों का अंतर कितना हुआ, 100, ठीक है। अब देखिए इस वाला जो डिग्री फारेनहाइट, अब क्या है, डिग्री फारेनहाइट। तो देखिए विद्यार्थियों, जो डिग्री फारेनहाइट है, उसका जो न्यूनतम पाठ्यांक होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, और उच्चतम पाठ्यांक है वो होता है 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। और इनका अंतर, डिफरेंस क्या होगा, इनका अंतर होगा 180, ठीक है। इसी प्रकार डिग्री रूमर, इसी प्रकार क्या है, डिग्री रूमर, ठीक है। तो देखिए जो डिग्री रूमर है अपना, जो डिग्री रूमर है उसमें देखिए स्टूडेंट, डिग्री रूमर का भी होता है क्या, 0 डिग्री रूमर, ठीक है। और उच्चतम होता है इसका 80 डिग्री रूमर, और अंतर क्या हो गया, 80, क्या हो गया, 80, ठीक है। और जो केल्विन है अपना, क्या केल्विन, तो देखिए केल्विन का देखते हैं अपन। अब जो केल्विन है वो शुरुआत होता है उसका न्यूनतम पाठ्यांक 273 केल्विन, ठीक है, और उच्चतम होता है इसका 373 केल्विन, और अंतर कितना होता है, 100 का, ठीक है। तो ये हो गए अपने क्या, ताप के मात्रक, कौन से, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फारेनहाइट में, डिग्री रूमर में, और केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस होता है अपना, उसका न्यूनतम पाठ्यांक होता है क्या,
न्यूनतम पाठ्यांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम पाठ्यांक होता है इसका 100 डिग्री सेल्सियस और अंतर होता है 100 का। ठीक है, अब इसके बाद में 32 डिग्री फॉरेनहाइट क्या है, डिग्री फॉरेनहाइट का न्यूनतम पाठ्यांक और उच्चतम है इसका 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, और इसका जो दोनों का अंतर क्या है न्यूनतम और उच्चतम का क्या है 180। ठीक है, इसी प्रकार जो रूमर है, रूमर का 0 डिग्री रूमर तो क्या होता है न्यूनतम पाठ्यांक और उच्चतम 80 डिग्री रूमर और दोनों का जो अंतर है वो क्या हो गया 80 हो गया। ठीक है, और जो केल्विन है इसका न्यूनतम पाठ्यांक होता है 273 केल्विन और उच्चतम 373, दोनों का अंतर क्या है 100। अब देखिए क्या है कि मात्रकों को जो ये जो तापमान के जो मात्रक है इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला बनता है। उसमें क्या करते हैं कि भाई जैसे कि डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस माइनस उसका न्यूनतम और बटा न्यूनतम और उच्चतम का अंतर। इसी प्रकार डिग्री फॉरेनहाइट तो डिग्री फॉरेनहाइट लिखेंगे माइनस न्यूनतम डिग्री फॉरेनहाइट का पाठ्यांक बटा दोनों का अंतर, डिग्री फॉरेनहाइट का न्यूनतम और उच्चतम का अंतर। इसी प्रकार से रूमर का भी क्या लिखेंगे, डिग्री रूमर माइनस न्यूनतम और बटा दोनों का अंतर। इसी प्रकार केल्विन का, केल्विन माइनस न्यूनतम बटा अंतर। तो देखिए लिखते हैं पहले डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस माइनस न्यूनतम कितना है इसका 0 बटा अंतर कितना है 0 100 में 100। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बारे में बाद में अपन लिखेंगे क्या, इसके बाद में अपन लिख देंगे क्या लिख देंगे डिग्री फॉरेनहाइट का, तो डिग्री फॉरेनहाइट माइनस न्यूनतम क्या है 32 और दोनों का अंतर क्या है 180। ठीक है, और इसके बाद में डिग्री रूमर करें तो डिग्री रूमर और न्यूनतम क्या है इसका 0 है और अंतर क्या है 80 है। ठीक है, और डिग्री केल्विन का न्यूनतम पहले केल्विन लिखेंगे, सॉरी केल्विन का, डिग्री केल्विन नहीं, केल्विन का पहले केल्विन के लिखेंगे माइनस न्यूनतम और न्यूनतम होता है इसका 273 और अंतर कितना होता है 373 273 में 100। तो ये एक अपना फॉर्मूला तैयार हो गया, ये अपना फॉर्मूला तैयार हो गया। इस फॉर्मूले से अपन तापमान को मतलब क्या है कि अलग अलग मात्रक पद्धतियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मात्रक पद्धति में जो टेम्परेचर दे रखा है तो उसको अलग अलग मात्रक पद्धतियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट अब करेंगे अपन इस पे क्वेश्चंस। तो देखो पहला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं क्या कि भाई जो अपना क्या है 27 डिग्री सेल्सियस ले रखा है मैंने, क्या ले रखा है क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस है और इस 27 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री रूमर और डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, किस में कन्वर्ट को, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री रूमर और डिग्री केल्विन में। ठीक है, तो अपन पहले एक डिग्री ये फॉर्मूला लगा देंगे, डिग्री फॉरेनहाइट आ जाएगा। तो देखते हैं, देखो ये आंसर में डिग्री भाई सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस तो क्या दे रखा है 27, तो यहाँ पर रखेंगे 27 माइनस 0 बटा 100 और फॉरेनहाइट में करेंगे तो एफ डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 बटा 180। ठीक है, ये फॉर्मूला करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। चाहिए सोल्व करके देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे जो इसको अपन सोल्व करें, इसका सोल्व करें तो देखिए क्या होता है, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो देखिए तो क्या आएगा 27 गुणा 9 बराबर 5 डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। ऐसे सीधा कर लो 32 गुणा 5। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गया अपना क्या 27 डिग्री वाला। ठीक है, अब डिग्री फॉरेनहाइट निकालना है अपन को, तो देखिए क्या करेंगे अपन 5 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 27 गुणा 9, फिर क्या करेंगे प्लस
प्लस 32 गुणा 5, ठीक है। और अब देखिए देखिए अब क्या करेंगे, अपना डिग्री फारेनहाइट निकालेंगे तो इनका सोल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 7 63, ठीक है, और 9 2 18 और 18 और 6 24, ठीक है, प्लस 160, है ना। और देखिए अब क्या आ गया, अब आ गया अपना 3, ठीक है, 6 4 10, ठीक है, 6 4 क्या हो गए 10, और 2 1 3, 3 1 4, और इसमें भाग दे देंगे अपन किसका, 5 का, इसमें किसका भाग दे देंगे 5 का, ठीक है। ये 5 डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू आ गई, ठीक है, और डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है तो 403/5 आ जाएगी, ठीक है। ये होगी अपनी क्या, डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू। अब इसके बाद में इसी फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे, डिग्री फारेनहाइट तो निकाल लिया, अब डिग्री रोंजन निकाल लेंगे भाई। डिग्री रोंजन निकालेंगे तो फॉर्मूला में देखो क्या क्या रखेंगे, देखिए डिग्री सेल्सियस ये है, ऐसा कैसे रख देंगे, 27 -0, ठीक है, बट्टा 100, और क्या निकालना अपन को, डिग्री रोंजन, तो डिग्री रूमर, सॉरी रोंजन नहीं बोलते इसको, रूमर बोलते हैं, हाँ, तो डिग्री रूमर -0/80, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 20 से, तो देखो ये तो 5 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और आगे इसको करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा भाई, ये 4 इससे गुणा हो जाएगा, 5 इससे गुणा हो जाएगा, तो देखिए 27 × 4 = 5 डिग्री आर, ठीक है। और डिग्री आर अपन को निकालना है, जैसे डिग्री आर अपन को निकालना है तो 27 × 4/5 आ जाएगा, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है अपना, डिग्री केल्विन निकालना है, तो डिग्री केल्विन देखिए यह ऐसे ही लिखेंगे, अब ये तो क्या कर दिया आपने, डिग्री रोंजन को निकाल दिया और ये डिग्री क्या है, फारेनहाइट को निकाल दिया, अब क्या करेंगे, सॉरी केल्विन निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, केल्विन निकालेंगे, तो केल्विन निकालेंगे, डिग्री केल्विन नहीं, केल्विन होता है वो, तो अब ये 27 - 0/100, ठीक है, बराबर K - 273/100, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको इधर ले जाऊं तो क्या है, 27 + 273 = K, और K बराबर क्या आ गया, 300 केल्विन, ठीक है, केल्विन का वैल्यू क्या आ गई, 300 केल्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन और करते हैं अपन, इसी पे न्यूमेरिकल। तो अगला जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, वो है कि भाई जो सामान्य मनुष्य का सामान्य तापमान फारेनहाइट में क्या होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे में। तो देखिए अपन ले लेते हैं 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 98.6 डिग्री फारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आंसर में क्या करेंगे भाई साहब, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है, डिग्री सेल्सियस -0/100 = डिग्री फारेनहाइट -32/180, ठीक है। अब इसको देखो सीधा सोल्व कर दो, यहाँ से 20 से कट रहा है तो 20 से यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे फिर क्या लिख दूँ, वैल्यू कर दूँ किसकी, ये जो डिग्री सेल्सियस की तो दे रखी नहीं, डिग्री फारेनहाइट की, तो ये डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। तो देखो डिग्री सेल्सियस -0/5 = 98.6 - 32/9, ठीक है। तो ये इससे क्या कर रहा है, कर लेंगे इसको, इससे क्या कर लेंगे अपन, गुणा कर लेंगे इसको, इससे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस,
बराबर देखिए क्या आएगा, 98.6 माइनस 32 गुणा 5। अब देखते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 32 में से 98.6 में से 32 को घटाते हैं तो 0.6 तो आ गया सीधा का सीधा, ठीक है। और यहाँ पे क्या 8 में से 2 घटाए 6 आ गया, ठीक है। और ये इसमें क्या 66.6 और गुणा क्या जाएगा 5, गुणा क्या जाएगा अपना 5, ठीक है। अब देखिए 6 × 5 = 30, तो आगे यहाँ पे लिख देते हैं 6 × 5 = 30, 30 की बिंदु, ठीक है। ये 6 × 5 = 30 और 30 × 3 = 33, ठीक है। और फिर 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 33, ये आ गया, ठीक है। ठीक है विद्यार्थियों, सॉरी एक और तो आएगा ना, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसका ये किसका वैल्यू आ गया 9 °C की। अब 9 °C को, तो डिग्री सेल्सियस को इसमें करेंगे तो देखो 3 3 क्या हो गया, गलत हो गया ना, यहाँ पे ये आएगा 333 ही है ना, 333 में 9 का भाग देंगे, 9 × 18 = 9 × 3 = 27 हो गए, ठीक है। और फिर देखो ऐसे भाग ही देख के देते हैं, 9 × 3 = 27 बच्चे कितने 6 और 9 × 3 = 27 9 × 7 = 63, ठीक है। तो 37 °C आ गया कि नहीं, ठीक है। यही अपन कहते हैं कि भाई 98.6 °C मनुष्य का सामान्य तापमान होता है, और डिग्री फॉरेनहाइट में 98.6 °F होता है, और सेल्सियस में क्या होता है 37 °C, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो देखते हैं। अब डिग्री सेल्सियस को डिग्री रूमर में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, डिग्री रूमर में, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं -40 °C, और इसको क्या बदलें, को डिग्री रूमर में बदलो, ठीक है, को डिग्री रूमर में बदलो, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अपन आंसर में लगाएंगे सूत्र, डिग्री सेल्सियस -0/100 = डिग्री रूमर -0/80, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस की जगह लिख दूंगा मैं 40 -0/100, और यहाँ पे डिग्री रूमर -0/80, ये कैंसिल हो जाएंगे, 20 से 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखते हैं इसको, तो इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो अगले जो प्रोसेस में क्या होगा, -40 × 4, ठीक है, -40 × 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 °C, क्या आ जाएगा 5 °C, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 °C आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे 5 °C आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 °C, और 40 × 4 - 5 = 32 °C आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, वो बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसको जो डिग्री सेल्सियस -40 °C को डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे, डिग्री फॉरेनहाइट में। तो देखिए यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी 40 ही आएगी, देखिए। तो अगला क्वेश्चन है डिग्री, इसको डिग्री
फोरेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 बराबर डिग्री फोरेनहाइट माइनस 32/180। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस क्या है, माइनस 40 माइनस 0, 0 को हटा दूँ क्या यार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे तो क्या आता है 5 और यहाँ पे क्या आता है 9, तो 5/5 बराबर डिग्री फोरेनहाइट माइनस 32 डिग्री फोरेनहाइट माइनस 32/9। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, इससे गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए आता क्या है, देखो 0 और 9 चौके 36, 360 आ गया माइनस का, बराबर इधर क्या आएगा 5 डिग्री फोरेनहाइट माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 160 आएगा। ठीक है, अब इसको मैं इधर ले जाऊं तो देखिए क्या होता है, और फिर पक्षांतरण कर दूं, एक मिनट, 5 है ना 5 डिग्री, तो 5 डिग्री फोरेनहाइट बराबर हो जाएगा माइनस 360 प्लस 160 बराबर बच गया क्या अपना माइनस 200, और 5 डिग्री फोरेनहाइट में, और 5 और फिर डिग्री फोरेनहाइट की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें माइनस 200 में 5 का भाग दे देंगे, जिसका मतलब जिसमें क्या आएगा माइनस 40। तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री फोरेनहाइट की वैल्यू भी माइनस 40 डिग्री फोरेनहाइट ही होती है। तो इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं क्या कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री फोरेनहाइट माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री फोरेनहाइट की वैल्यू या का मान भी माइनस 40 डिग्री फोरेनहाइट होता है। मतलब दोनों की वैल्यू क्या है समान होती है। तो ये हो गया अपना आज का लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।